हो गया है, रो रो रही बैठ रही है ये अभी तक, गाइस रो ही रही है। Hey you all, welcome back to my video. Hope you all are doing well. So guys, आज मेरा खासम खास दोस्त घर पर है और हाय। So अभी हम लोग जाने वाले हैं SN because अमन को शॉपिंग करनी है और जब भी अमन मेरे साथ सब जगह जाता है तो फिर मेरा भी इसके साथ सब जगह जाना बनता है ना, सही बात है क्या नहीं? So, अमन मतलब बोल रहा था कि अनु मुझे एसएन जाना है तो तुम लोग चल रहे हो क्या, तो फिर मैंने बोला हाँ मैं भी चल रही हूँ क्योंकि मुझे ना मुझे भी मैं जाऊंगी तो मैं भी थोड़ा बहुत सामान खरीद ही लूंगी, बाकी चलते हैं। और जैसे कल वाला व्लॉग थोड़ा छोटा था, आज वाले व्लॉग में मैं आपको बोर नहीं होने दूंगी, फुल पावर एंटरटेनिंग व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है गाइस? अभी चलते हैं। और मैंने पहना है कुछ ये पिंक शूज, पूरा आउटफिट आप देख लो, बताना कमेंट करके कैसी लग रही हूँ। बाकी आज मैं चश्मा भी लगा के जाऊंगी बिकॉज चश्मा नहीं लगाने की वजह से मेरा सर दुखने लगता है, तो इसलिए ओए 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 ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। तो अभी हमने उबर बुक करी है, उबर आ जाएगी फिर उसके बाद निकलेगी, लेट्स गो। और जैसे ही हम ऑटो से उतरे थे ना, तो वैसे ही एक अंकल हमें रास्ता बता रहे थे कि ना आप इधर से चले जाओ आपको इजी पड़ेगा। तो एक लड़की पीछे से ऐसे भुट्टा खाती हुई आ रही थी, तो उसके भुट्टे में ना अंकल का बाय मिस्टेक, ऐसे अंकल हमको बता रहे थे कि इधर से चले जाओ, तो बाय मिस्टेक हाथ लग गया था उसका, अंकल का मतलब हाथ लग गया था उसके भुट्टे में, तो वो अंकल के ऊपर इतनी बुरी तरीके से चीखी कि हाथ तो देख के चलाओ ये वो। भाई मुझे इतनी दया आई ना अंकल के ऊपर, उनको देखना चाहिए, उन्होंने जान के नहीं किया था, बाय मिस्टेक उनसे लग गया था, बट वो मोटी बुद्धि जो क्या हो गया है, रो रो रही बैठ रही। ओए भैया कितने मोटे मोटे आंसू दिख रहे, दिखाई जरा ऊपर ऊपर ही दिखा, फुल गंगा जमुना बह रही है ये, पता नहीं से घूमते घूमते अचानक इसको पेट में पेन होने लग गया। चलो तो पानी चलो ऊपर गाइस। तो अन्नू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और अन्नू रोए रोए जा रही है, और मैं अन्नू के पास बैठा हूँ, साक्षी ऑर्डर देने गई है, ये देखो ये रो रही है बहुत, इसकी तबीयत खराब हो गई, इसको पेट दर्द हो गया बहुत तेज एकदम से। आ गई साक्षी, ये अभी तक गाइस रो ही रही है, सामने आना, उसकी माँ जा गई। क्या हो गया? पता है वो लड़का ना कुर्सी पर बैठा, उसको 2000 रुपये मिलने पड़ गए, उन्हें सबने पूछने सबने मना कर दी, वो कह रहा तुम किसी को भी बता रहे हो अपना रख लो बता देना क्या गाइस। थोड़ा कर लिया हो जाएगा। सो गाइस मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ और मुझे इतना दर्द हो गया था वो मैं घर जाके बताऊंगी, बट अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ खा के, बाकी बात बाहर जाके करती हूँ। कर ली शॉपिंग, कर ली गाइस, ये सारा हमारा सामान है अमन ने पकड़ा हुआ तेरी। गाइस अभी हम घर जा रहे हैं, अंकल को CNG भरवानी थी तो वो भरवा रहे हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे। सो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और घर आए मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई है,
बट मैं थोड़ा सा ऐसे रेस्ट चाह रही थी तो मैं बैठ गई और बिग बॉस भी आ रहा था तो वो मैं देखने लगी थी। बट फिर मेरे को लगा कि अभी मुझे एंड करना चाहिए। और जैसे आज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग में बोला था कि आज मैं कुछ एंटरटेनिंग करने की कोशिश करूँगी और व्लॉग में आपको खूब सारा मज़ा आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अचानक से, मतलब हम ऐसे शॉपिंग कर रहे थे नॉर्मल, मैं एकदम ठीक गई थी घर से, बट ऐसे ही घूमते घूमते मेरे को इतनी तेज पेट में दर्द हुआ, इतनी ज़्यादा तेज कि मुझे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हुआ। और पहले मैंने साक्षी को बोला कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, फिर मैंने मन को बोला कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, तो इन दोनों ने बोला कि हो जाएगा ठीक है, ऐसा हो जाता है। बट फिर धीरे 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 बढ़ने लग गया और एकदम एक्सट्रीम लेवल पे आ गया कि मेरा रोना ही निकल गया। फिर मैं ऐसे चलते चलते रो रही थी, फिर साक्षी ने मुझे देख लिया कि ये रो रही है। फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे थोड़ी देर बैठना है, फिर मैंने थोड़ी देर बैठी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने सुबह से शायद अच्छे से खाया पिया नहीं है तो शायद हो रहा है। फिर हम लोग गए हल्दीराम, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा खाया पिया, कॉफ़ी पी, क्योंकि मेरा बीपी एकदम से डाउन हो गया था, ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाऊँगी, चक्कर खा के गिर जाऊँगी, मतलब इतनी ज़्यादा लो फीलिंग आ रही थी, मतलब इतना ज़्यादा लो फील कर रही थी। और मेरा पेट तो इतना दुख रहा था ना, मतलब मैं चल रही थी ना, मतलब एक एक स्टेप ले रही थी तो मेरे को इतना पेन हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा खा पी के एक डेढ़ घंटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमती। तो हम हल्दीराम बैठे, थोड़ा सा खाया पिया, उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, तब जाके पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। फिर मैंने मम्मी को आके बताया तो ना मेरे को ऐसे बहुत ऐसे गटार कुछ भी जो भी बोलते हैं वो आ रही थी, तो मुझे वो पता चला कि मुझे गैस का दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा एकदम से, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो गई थी, फिर वापस हम गए और मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है। जब ये फैला हुआ है गाइज, हाँ बहुत सारा सामान खरीदा है, मैं सोच रही दिखाऊं कि नहीं, बट मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। मेरे को बहुत ऐसे फील हो रहा था कि यार मैंने क्या व्लॉग्स करके, अमन भी मुझे बोल रहा था तूने स्टार्टिंग में बोला कि तू एंटरटेनिंग करेगी व्लॉग में, बट क्या एंटरटेनिंग, तूने तो अपनी तबीयत ही खराब कर ली। और मेरे को ऐसा था, मेरे को ऐसा लगता है मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मुझे थोड़ा सा भी कुछ होता है ना तो मेरे को ऐसे होता है कि मेरे को रोना नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे रोना निकलता है, मुझसे कंट्रोल नहीं होती चीज़ें, बट ये चीज़ें मुझे अपनी ठीक करनी थी। चलो अभी तो मैं ठीक हूँ, फिलहाल मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, बस खा पी कर थोड़ा सा अच्छा हो गई। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ गाइस, मैं ना सॉक्स जो है ना वो अर्बैनिक से मंगाने के लिए सोच रही थी, बट फिर मुझे अमन ने बोला कि सॉक्स, वैसे मैंने सरोजनी नगर से काफ़ी सारी सॉक्स खरीदी है, तो मैंने अर्बैनिक पे देखा था तो वहाँ पे ऐसा था कि 400 की दो सॉक्स मिल रही थी बस, तो फिर मैंने उनको भेजी कि ये मुझे इस तरीके की चाहिए, तो मैंने बोला मत ले क्योंकि SN में भी ना सेम इसी तरीके की मिल जाती है और वो मतलब 100 में 5 सॉक्स मिलती है। तो मैं सॉक्स लेकर आई हूँ, एक तो ये रेड कलर की लेकर आई हूँ, और गाइस इतनी हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा है इनका कि आपको इसमें बिल्कुल भी जैसे ठंड नहीं लगेगी वैसा वाला। एक ये ब्लू लेकर आई हूँ और एक ये ग्रीन, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत मोटी है, इसका कपड़ा जो है ना वो एकदम गर्म वाला है। और एक ये स्माइली वाली लेकर आई हूँ, और ऐसी सॉक्स मैंने अर्बैनिक पे देखी थी वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। और ये ऑरेंज और ब्लू लेकर आई हूँ, और एक ये गुची प्रिंट, और ये दो मैं लेकर आई हूँ मेरे छोटे बाबू के लिए क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे से पैर है तो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो मैंने ये दो उसके लिए भी खरीदी है। लास्ट वन दिस पूमा, सो ये सारी सॉक्स मैं लेकर आई हूँ 200 में, और गाइज ये बहुत अच्छी है। और मैं अगर उससे मंगाती ना अर्बैनिक से तो फिर 400 में सिर्फ 2 पीस आते, यहाँ पे 10 पीस आए हैं 200 में, समझ रहे हो। और गाइज हम लेकर आए हैं एक ब्लेज़र, मतलब ये साक्षी के लिए लिया है, उसको वो उसको चाहिए था कि मुझे ब्लेज़र चाहिए, तो उसने एक ये ब्लेज़र लिया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम कलर भी बहुत अच्छा, और इसका थोड़ा एक अलग डिफरेंट सा ही, इसका अलग डिफरेंट सा ही है ये, मतलब ये भी अच्छा है। और गाइस एक मैं स्वेटर लेकर आई हूँ, ये क्रॉप, बाकी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा रही क्योंकि बाकी चीज़ें बाद में दिखाएंगे, है ना। बस अभी मैं चेंज वेंज करूँगी और खा पी के सोने जाऊँगी, बाकी बस। गाइस मैं ये भी बता रही थी कि मेरा आज का काफ़ी, मैं जैसे कल वाला व्लॉग देखा था, कल मैं वो वाले घर पर गई थी तो वैसे ही मेरा काम रुका हुआ था, मैंने सोचा था आज यहाँ पे आके काम करूँगी, फिर मैं सरोजनी नगर चले गई, फिर आई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है मतलब, और अभी मेरी हिम्मत भी नहीं कुछ काम करने की। तो बस अभी इस व्लॉग को सोच रही हूँ इतना ही रखती हूँ और इसके साथ ये वीडियो एंड करती हूँ, और होप करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। गाइज सॉरी कि मैं आज भी अच्छा सा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट वीडियो पक्का, इसमें कमेंट कर देना कि क्या करूँ बहुत ऐसे बढ़िया सा कि आपको मजा आ जाए। सो इस वीडियो को इतना रखती हूँ, करती वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पीस।